Assalamualaikum everyone. Am I audible to you? Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। Okay, that's all I needed to know. अच्छा, So, good afternoon everyone. My name is Bisma Awan. I'm a lawyer and also a legal director at Tahafu Spark, which is a non-profit organization, and I'm वालेकुम also अस्सलाम। doing my LLM as well. So the topic today we have is purpose and importance of legal notices. मैं स्टार्ट करूंगी ब्रीफली, पहले आप लोगों को गाइड कर दूं कि व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारे पास. सो ब्रीफ ओवरव्यू, हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ लीगल नोटिसेस टू बेसिकली अंडरस्टैंड व्हाट ए लीगल नोटिस इज, फिर ब्रीफली उसका हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क एंड द लीगल फ्रेमवर्क के कहाँ कहाँ पे हमारे लॉज के अंदर ये रिक्वायरमेंट है कि लीगल नोटिसेस इज अ मैंडेटरी प्रोविजन या रिक्वायरमेंट बिफोर इनिशिएटिंग लॉ प्रोसीडिंग्स और लीगल प्रोसीडिंग्स. फिर हम उसका जो मेन हमारा टॉपिक है उसका पर्पज एंड फंक्शन देखेंगे अलॉन्ग विद द इंशाल्लाह प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन एज वेल. फिर आई एम गोइंग टू शेयर अ गाइडलाइन विद यू कि अगर आपने लीगल नोटिस ड्राफ्ट करना हो तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो जरूर होनी चाहिए एंड द थिंग्स दैट यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ. तो ओवरऑल आपको ये हो जाएगा कि एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी लीगल नोटिसेस की, कि उनका पर्पस क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, पाकिस्तानी लीगल सिस्टम के अंदर वो किस तरह से फंक्शन करते हैं. प्लीज लेट मी नो कि आप सबको मेरी आवाज़ जो है क्लियरली पहुंच रही है सो दैट आई कैन कंटिन्यू. बस कोई एक बंदा बता दे, दैट वुड बी इनफ. सो नेक्स्ट थिंग इज द डेफिनेशन ऑफ लीगल नोटिसेस. तो पहले तो हम देखते हैं कि नोटिस की डेफिनेशन अगर हम ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से देखें, आई एम श्योर कि आप में से मोस्टली जो है वो फेमिलियर होंगे. ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल डिक्शनरीज अगर आपने कोई लीगल टर्म्स की डेफिनेशन देखनी है, तो इट्स योर गो टू डिक्शनरी फॉर दैट. तो अगर हम लिटरल मीनिंग में जाए नोटिस को, तो दैट मीन्स इंफॉर्मेशन. ठीक है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन कि आप कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हो अपनी सेंसेस के थ्रू एंड देन यू फॉर्मुलेट समथिंग इन योर माइंड. तो आपको कोई चीज देखने से पता चल गया, फॉर एग्जाम्पल कि ये टेबल है या चेयर है, तो ये इंफॉर्मेशन आ गई कैसे कि आपने अपनी सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व की है. तो कोई भी आपके पास नॉलेज हो किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस की या स्टेट ऑफ अफेयर्स की, तो दैट मीन्स कि यू हैव अ सर्टेन नोटिस और इंफॉर्मेशन ऑफ समथिंग. और अगर हम लीगल नोटिस की लिटरल डेफिनेशन में जाएंगे, तो इट इज अ नोटिस जो कि पॉइंट ऑफ लॉ के लिए नेसेसरी होता है. ठीक है, सच नोटिस एज द लॉ रिक्वायर्स टू बी गिवन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और इन अ पर्टिकुलर केस. ये तो आ गई है लिटरल डिक्शनरी की डेफिनेशन, लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग अगर हम देखें, तो बेसिकली लीगल नोटिस एक ऐसा फॉर्मल अनाउंसमेंट या नोटिफिकेशन होता है, उसको आप वार्निंग भी कह सकते हो, लेकिन ये फॉर्मल होता है, रिटन होता है एंड इट इज अनाउंस. ठीक है, और एक ऐसी चीज होती है जो कि वन पार्टी सर्व्स टू अनदर पार्टी. जो दूसरी पार्टी है वो कोई इंडिविजुअल हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है या कोई कंपनी हो सकती है, जिसमें आप उन्हें इन्फॉर्म कर रहे हो अपने लीगल राइट्स की, लीगल राइट्स से रिगार्डिंग अगर आपके कोई लीगल कंसर्न्स हैं. इसमें आप उन्हें ये भी बता सकते हो कि आपकी इंटेंशन क्या है टू टेक ऑन लीगल एक्शन और नॉट. आप उन्हें जस्ट एज वार्निंग भी नोटिस सर्व कर सकते हैं. आगे हम फर्दर देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटिस होते हैं, लेकिन बेसिकली आप एक लीगल नोटिस में एक फॉर्मल वार्निंग दे रहे होते हो टू अदर पार्टी कि आपकी क्या इंटेंशन है, बिकॉज योर राइट हैज बीन अग्रीव्ड और या कोई ड्यूटी थी जो परफॉर्म नहीं हुई ऑन देयर पार्ट एंड उसके रिजल्ट में यू आर फेसिंग सम डैमेज और लॉस एटसेट्रा. तो आई होप कि लीगल नोटिस की डेफिनेशन आपको समझ आ गई है. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन या किसी को अभी नहीं आए, तो प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क, अदरवाइज वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क. उसमें ब्रीफली बस ये बताया है कि जो लीगल नोटिसेज हैं वो हमारे पाकिस्तान का हैव बीन पार्ट सिंस द ब्रिटिश लॉ. ठीक है, उन्हीं से ये चीज अडॉप्ट की गई थी बिकॉज हमारे लीगल सिस्टम्स हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश लॉ. यू कैन सी कि मोस्ट ऑफ आवर लॉज तब से चले आ रहे हैं जब से ब्रिटिश लॉ था, बस थोड़ा बहुत नाम में चेंज कर दिया, लेकिन अभी तक वी आर स्टिल फॉलोइंग दोज लॉज. और ओवर द इयर्स ये जो है हमने अपने जो
सूट्स थे या लिटिगेशंस थे उनको अकॉर्डिंगली केटर कर लिया, और अब वो पाकिस्तानी लीगल कॉन्टेक्स्ट के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारे आगे। लेकिन ब्रीफली बस यही था कि दिस हैज बीन गोइंग ऑन सिंस द ब्रिटिश रूल, तो ये प्रैक्टिस वहां से चली आ रही है और अब तक हम इसे अपने रहन सहन के मुताबिक अडॉप्ट एंड अमेंड कर चुके हैं। अब ये तो खैर ब्रीफ सी चीज थी। जो नेक्स्ट मेन चीज है, दैट इज द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ लीगल नोटिसेस। अब यहाँ पे आई हैव मेंशनड अ फ्यू लॉज एंड जिसमें आप देखेंगे 7 सेक्शंस भी लिखे हुए हैं, जिसमें लीगल नोटिस की रिक्वायरमेंट है। लीगल नोटिस इज मैंडेटरी बिफोर इनिशिएटिंग लॉ प्रोसीडिंग्स। पहला तो हमारे पास आ जाता है सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है, 1908। अब इसका जो सेक्शन 80 है, इसका सेक्शन 80 है बेसिकली, वो ये डिमांड करता है कि एक लीगल नोटिस जो है वो आपने नेसेसरी है भेजना टू द पब्लिक ऑफिसर और द गवर्नमेंट, जब आप उनके खिलाफ लॉ सूट्स इनिशिएट करना चाहते हैं। तो उससे पहले जो भी एक्ट उन्होंने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर किया है, आपने उस लॉ सूट इनिशिएट करने से पहले उन्हें वो लीगल नोटिस भेजना होगा। इसका जो नोटिस पीरियड है वो 2 मंथ्स दिया गया, ताकि जो भी वो गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर है उनको इतना टाइम मिल जाए कि वो अगर वो ग्रीवियंस को एड्रेस कर सकते हैं लॉ सूट के फाइल होने से पहले, तो वो कर लें और आपको आपका रेजोल्यूशन जो भी होगा वो मिल जाएगा। सेकेंड हमारे पास आ जाते हैं हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज। यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है वो पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2005 का। इसी तरह बाकी प्रोविंसेस के भी हैं, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा एंड बलोचिस्तान। तो जो पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें सेक्शन 28 है, जो ये स्पेसिफाई कर रहा है कि कंज्यूमर के ऊपर ये रिक्वायरमेंट है कि वो अपने सेलर को या जिसने भी उसे सर्विस प्रोवाइड की है गुड्स की या कोई और सर्विसेज, एंड उसमें कोई डेफिशिएंसी है, गुड्स में कोई डिफेक्ट है और वो उससे डिमांड कर रहा है कोई भी रिड्रेसल या एड्रेस कर रहे उसके इशू को, तो बिफोर के वो कंज्यूमर कोर्ट अप्रोच करे उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है, एक रिक्वायरमेंट है कि वो पहले लीगल नोटिस भेजे अपने सेलर को या सर्विस प्रोवाइडर को, ताकि इफ पॉसिबल वो विदाउट अप्रोचिंग कोर्ट उसका जो भी इशू है उसको रिजॉल्व कर सके। सही है। इसके बाद हम जाते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की तरफ। वहाँ हमारे पास सेक्शन 138 है, जिसमें ये रिक्वायरमेंट आती है कि जो लीगल नोटिस है उसको विद इन 30 डेज ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक जो है भेजा जाना चाहिए, जहाँ पे आप अपनी पेमेंट बेसिकली डिमांड कर रहे होंगे फ्रॉम द पर्सन जिसने डिसऑनर किया है, जिसकी तरफ से हुआ है। हम यहाँ पे नोटिस पीरियड जो है या टू मेक दैट पेमेंट वो है 15 डेज का, ठीक है, और ताकि अनलेस एंड अंटिल वो नहीं उसको फॉलो करता विद इन 15 डेज ऑफ द लीगल नोटिस दैट हैज बीन सेंट, तो फिर यू कैन अप्रोच द कोर्ट। अब आप देखेंगे कि इन सब में लीगल नोटिस की तो रिक्वायरमेंट है, लेकिन सब में नोटिस पीरियड वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस एंड सरकमस्टांसेस। इसके बाद फर्दर कुछ लॉज मेंशन किए हैं, जैसे रेंट रिस्ट्रिक्शन लॉज में से आई टॉक पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट, ठीक है, और बाकी प्रोविंसेस के भी सिमिलर एक्ट्स होंगे और उनमें भी ये रिक्वायरमेंट होगी। स्पेसिफिकली इसके अंदर आप देखेंगे दिस इज रिगार्डिंग इविक्शन सूट, ठीक है, अगर आपने लैंडलॉर्ड ने टेनेंट के खिलाफ कोई इविक्शन पर केस फाइल करना है या उन्हें कहने के प्रोविसेस को वेकेट करें, तो उससे पहले लैंडलॉर्ड के ऊपर ये रिक्वायरमेंट है कि वो टेनेंट को लीगल नोटिस भेजेगा ग्राउंड्स को स्पेसिफाई करते हुए कि ऑन दीज बेसिस आई वॉन्ट टू इविक्ट यू या यू शुड वेकेट द प्रेमिसेस। उससे ये होगा कि अगर तो वो फॉर एग्जाम्पल उसने उसकी रेंट की पेमेंट या अमाउंट नहीं दी, तो या तो वो उसकी अमाउंट रिटर्न कर देगा या उसके पास एक रीजनेबल टाइम आ जाएगा कि वो जगह खाली कर दे, ठीक है। तो दिस इट्स अंडरस्टैंडेबल कि लीगल नोटिस से फिर उसके पास एक रीजनेबल टाइम आ जाएगा टू डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू या वट एवर इज बेस्ट इन दैट सिचुएशन। फिर वी हैव अनदर एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, इसमें भी आई मेंशन सेक्शन 80A फॉर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कंपनीज एक्ट का 478 है। अब इस दोनों में उन्होंने बताया हुआ है कि इफ यू वांट टू इनिशिएट अ सूट फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक रिलीफ में, तो वहां पे जो नोटिस पीरियड होगा वो 2 मंथ्स का होता है बिफोर गोइंग टू कोर्ट, जहां पे आपने लीगल नोटिस सेंड करना है जिससे भी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट के सूट इनिशिएट कर सके हैं, बट रिक्वायरिंग देम टू डू समथिंग लाइक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और समथिंग। फिर कंपनीज एक्ट में बेसिकली ये कि अगर एक कंपनी है और उनके डेट्स क्लियर नहीं है या दे आर अनएबल टू पे देयर डेट्स नाउ, तो फिर वाइंडिंग अप का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है रिगार्डिंग कंपनी। तो बिफोर इनिशिएटिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ वाइंडिंग अप, वो भी थोड़ी थ्रू कोर्ट हो रही होती है, तो इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप उस कंपनी को एक लीगल नोटिस सेंड करें उनके खिलाफ ही वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले, और इसका नोटिस पीरियड 21 डेज है। तो अगेन हर एक में जो नोटिस पीरियड है उसके टाइम वेरिएशन डिफरेंट है, बट वी कैन सी कि हमारे मोस्टली लॉज के अंदर
एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के तौर पे लीगल नोटिस है. फिर लास्ट वन इज वन ऑफ द अदर वंस दैट आई मेंशन, वो है डेफिमेशन ऑर्डिनेंस 2002. इसमें सेक्शन 8 है हमारे पास जो कि आउटलाइन कर रहा है सारा प्रोसीजर लीगल नोटिस को सर्व करने का इन केस के कोई डेफिमेशन का हमारे पास सिचुएशन आती है. लेकिन इसमें इसने रिक्वायर किया गया है सेक्शन में कि आप अगर एक एक्शन लेना चाह रहे हैं डेफिमेशन के अगेंस्ट, तो जो अग्रीव पार्टी है यानी जिसके खिलाफ कोई डेफिमेटरी स्टेटमेंट आई है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लीगल नोटिस सर्व करेगी किसको, उस बंदे को या उस पार्टी को जिसने वो स्टेटमेंट उसके खिलाफ दी है. फर्दर उन्होंने इस लॉ के अंदर ये भी बता दिया कि जो डेफिमेटरी वर्ड्स होंगे ना जो पार्टी बी ने पार्टी ए के खिलाफ कही है वो भी आपके लीगल नोटिस में मेंशन होने चाहिए एग्जैक्टली एज इट इज कि उसने उसके बारे में क्या कहा था. साथ ही साथ आपने टाइम प्लेस और वो मैनर ऑफ पब्लिकेशन भी बताना है कि किस तरह से किस टाइम पे उसने डिफेम किया था पार्टी बी ने पार्टी ए को. एंड द पर्सन रिसीविंग द नोटिस इज गिवन अ पीरियड ऑफ 14 डेज टू रिस्पॉन्ड टू द नोटिस. तो यहाँ पे डेफिमेशन ऑर्डिनेंस के अंदर जो आपके पास नोटिस पीरियड होगा वो 14 डेज का होगा. आई होप कि दिस इज क्लियर एंड वाजंट सो डिफिकल्ट. अगर होगा तो प्लीज गो अहेड विद द क्वेश्चंस, अदरवाइज वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट हमारे पास चीज आ गई है जो हमारा मेन चीज थी, पर्पस और फंक्शन क्या होता है लीगल नोटिस का. अब इसमें जो चार मेन फंक्शंस आई हैव मेंशनड हियर, ठीक है, उसमें हमारे पास एक है प्रिवेंटिव फंक्शन, नोटिस फंक्शन, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंस. अब प्रिवेंटिव फंक्शन से मुराद बेसिकली ये है कि जो लीगल नोटिस होता है उसका एक प्राइमरी मकसद ये होता है कि आप लिटिगेशन को अवॉइड कर सको और अपने जो डिस्प्यूट्स हैं उनको फ्रेंडली या इन अ गुड मैनर उनको आउटसाइड ऑफ द कोर्ट रिजॉल्व कर सकें, ठीक है. अब ये जब आप इस तरह एक लीगल नोटिस भेजते हैं दूसरी पार्टी को और उनको कम्युनिकेट करते हैं कि आपकी क्या ग्रीवियंस है और आप क्या रेजोल्यूशन या सोल्यूशन डिजायर कर रहे हैं, तो पार्टीज को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट कर सके, अपने टर्म्स को निगोशिएट कर सके, जिससे क्या होगा आपका टाइम भी बच जाएगा और रिसोर्सेज भी. तो प्रिवेंटिव फंक्शन से मुराद है बेसिकली प्रिवेंट कर रहा है आपको लिटिगेशन की साइड पे जाने से और प्रिवेंट करता है आपका टाइम फ्रॉम बीइंग वेस्टेड एंड फ्रॉम योर रिसोर्सेज बीइंग वेस्टेड एज वेल, ठीक है. दैट इज द प्रिवेंटिव फंक्शन ऑफ लीगल नोटिसेस. इसके बाद इसका एक नोटिस फंक्शन आ जाता है. नोटिस फंक्शन से मुराद ये है कि लीगल नोटिसेस फॉर्मली दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपके उनके खिलाफ क्या लीगल क्लेम है या डिमांड है. जैसे हमने पहले डेफिनेशन में देखा था कि नोटिस बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है या एडवाइस होती है दूसरी पार्टी को जो आप दे रहे हो या वार्निंग. तो वन ऑफ इट्स फंक्शन इज द सेम एज दैट कि आप दूसरी पार्टी को कम्युनिकेट कर देते हैं कि मेरे मेरे आपसे ये इख्तिलाफ है या दिस इज द राइट दैट यू हैव बीन वायलेटिंग और मुझे इसके खिलाफ ये सोल्यूशन चाहिए या ये भी कंपनसेट करें जिस भी तरीके से. इससे ये होता है कि आपका कम्युनिकेशन एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आ जाता है और आप जो रिसिपिएंट है आपकी या जिसने भी आपको ग्रीवियंस प्रोवाइड की है उसको भी एक अवेयरनेस मिल जाती है कि क्या इशू है और एक टाइमलाइन आप उसे दे देते हो कि विद इन दिस डेज मुझे आप इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करो, ठीक है. तो आपने दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म भी कर दिया है और अपनी अपॉर्चुनिटी भी दे दिया उन्हें कि वो मैटर को रिजॉल्व कर सके. इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि कोई फॉर एग्जांपल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो आपने लीगल नोटिस भेजा है एक पार्टी ने दूसरी को, उसमें उसने बता दिया कि क्या ब्रीच हुई है, नेचर ऑफ ब्रीच क्या थी और मैं क्या रेमेडी या कॉम्पनसेशन चाह रहा हूँ. इससे ये हो जाता है कि आप ये इंश्योर कर रहे हो कि जो दूसरी पार्टी है उसे ये भी पता चल जाए कि क्या स्पेसिफिक इश्यूज हैं और क्या स्टेप्स वो ले सकती है चीज़ों को ठीक करने के लिए. फिर हमारे पास थर्ड पर्पस एंड फंक्शन आ जाता है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. जैसे भी हमने देखा कि हमारे कितने लॉज के अंदर ही रिक्वायरमेंट है कि विदाउट सेंडिंग अ लीगल नोटिस यू कैन नॉट इनिशिएट प्रोसीडिंग्स. और आगे भी देखेंगे कुछ केस लॉज के अंदर कि हाउ इट कैन अफेक्ट योर होल केस. तो यहाँ पे भी यही बात आई हैव सेड कि जो कुछ लीगल सिनेरियोज होते हैं उनमें लीगल नोटिस का भेजना रिक्वायरमेंट होती है आपकी. इवन इफ यू नॉट यू नो आप प्रिवेंट नहीं कुछ करना चाह रहे, आप चाहते तो यही हो कि आप लीगल केस ही करो, लेकिन क्योंकि लॉ के अंदर रिक्वायरमेंट है कि आपको पहले लीगल नोटिस भेजना है तो यू आर जस्ट फुलफिलिंग दैट फॉर्मेलिटी. और इससे ये भी चीज़ इंश्योर हो जाती है कि आपने जितनी पॉसिबल एवेन्यूज थे रेजोल्यूशन के या चीज़ों को ठीक करने के वो आपने एक्सप्लोर कर ली है और आपने दूसरी पार्टी को भी एक फेयर अपॉर्चुनिटी दी है कि वो मैटर को एड्रेस कर सके. एंड सिर्फ नहीं हुआ तो नाउ यू आर गोइंग इन टू लिटिगेशन. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंस. इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्पजेज एंड फंक्शन एंड इट्स वेरी हेल्पफुल लेटर ऑन एज वेल.
इसमें ये होता है कि जो लीगल नोटिसेज हैं, क्योंकि आप उन्हें रिटर्न फॉर्म में भेज रहे हो, एक फॉर्मल फॉर्म में भेजते हो, तो वो एक डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे आ जाती है, जो कि लेटर ऑन आप एविडेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं इन द कोर्ट, जो कि ये शो करेगा कि पार्टी ए ने, जो पार्टी जिसका इश्यू है, ग्रीवियंस है, उसने अपनी पूरी कोशिश की थी टू रिजॉल्व द मैटर्स आउटसाइड ऑफ द कोर्ट बिफोर सीकिंग जुडिशियल रेजोल्यूशन या जुडिशियल इंटरवेंशन. तो पार्टी ए की गुडविल पे आ जाती है कि दे ट्राइड देयर बेस्ट टू सॉल्व थिंग्स, लेकिन इट वॉज दी अदर पार्टी जिसकी तरफ से इश्यू आ रहा था. ठीक है, इसके बाद एक और इसका एक पर्पज एंड फंक्शन है, वो मैंने यहाँ मेंशन तो नहीं किया, लेकिन बेसिक्स है उसमें ये बात होती है कि ये कम्युनिकेशन फैसिलिटेट कर रही होती है, क्योंकि जब आप एक लीगल नोटिस सेंड करते हो उसमें आपने बहुत क्लियरली लिखा होता है और अपने कम्युनिकेशन जो स्ट्रक्चर किया होता है कि व्हाट इज योर इशू, आपके साथ ये कब हुआ, कैसे हुआ, एंड आपको क्या इसका सोल्यूशन चाहिए. तो ये दोनों पार्टीज को बहुत क्लियरली पता होता है कि व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड व्हाट द अदर पार्टी जो है दे वांट्स. इसमें आप अपनी लीगल बेसिस भी डाल देते हो क्लेम्स की और जो रेमेडीज होती हैं, ताकि किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन ना हो लेटर ऑन. तो जो भी नेसेसरी सारी चीजें होती है वो आप ऑलरेडी मेंशन कर देते हो लीगल नोटिस में. तो इसकी वजह से ये कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करता है कि कोई एम्बिग्विटी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती दोनों पार्टीज के दरमियान में रिगार्डिंग द इशू एंड रेमेडी. जैसे इसकी एग्जाम्पल मैं एक दे देती हूँ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अगर कोई डिस्प्यूट्स होंगे, जैसे कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट हो गया, तो फिर वहां पे लीगल नोटिस जो है ना वो इस चीज में हेल्पफुल होता है कि आप नेचर ऑफ इंफ्रिंजमेंट एक्सप्लेन कर देते हो कि किस तरह की इंफ्रिंजमेंट हो रही थी, कैसे राइट्स मेरे वायलेट हो रहे थे, क्या मुझे एक्शंस चाहिए, जिसमें आ सकता है कि आप चाह रहे हो कि दूसरी पार्टी वो अपना एक्शन ही एटलीस्ट यू नो सीज कर दे, बंद कर दे, या फिर आप कोई कंपनसेशन चाह रहे हो इन फॉर्म ऑफ मॉनेटरी डैमेजेस और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, ये हो गए इनके पर्पज एंड फंक्शंस, आई होप कि यू ऑल गॉट दैट. इसके बाद हम चले जाते हैं इनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस और इम्पोर्टेंस की तरफ. ये भी मोर लेस सेम होती है, बट थोड़ा बहुत दे हैव यू नो डिफरेंसेस होते हैं या एडिशनल चीजें होती हैं. जैसे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस में एंड इम्पोर्टेंस में पहली चीज तो आ जाती है इंश्योरिंग ड्यू प्रोसेस. किस तरह से कि लीगल नोटिस जब आप सेंड करते हैं टू द अदर पार्टी, तो आप दूसरी पार्टी को एक मौका दे रहे हैं कि वो जान लें कि व्हाट इज द इशू, और उन्हें आप ये भी मौका दे रहे हैं कि वो मैटर्स को रिजॉल्व कर सकें बगैर कोर्ट को अप्रोच किए. तो इस तरह से आप उनका जो एक राइट टू बी हर्ड है वो आप उनको गारंटी कर रहे हो. ठीक है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है या कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन व्हाट सो एवर, लेकिन आप उन्हें ये इन्फॉर्म कर देते हो कि भाई ये मैं लीगल एक्शन आपके खिलाफ लाऊंगा इफ आप ये काम नहीं करते या मेरा ये इशू रिजॉल्व नहीं करते, जो कि आपके किसी एक्शन या लैक ऑफ एक्शन की वजह से हुआ था. तो उनको एक पूरा मौका मिल जाता है कि वो आपके लीगल नोटिस का जवाब दे सकें, अपना लीगल काउंसिल ले सकें, या पोटेंशियली एड्रेस कर सकें उस मैटर को. तो आपने उन्हें एक फेयर अपॉर्चुनिटी दी है टू सॉल्व द मैटर. तो इस तरह से लीगल नोटिस देना एक इंश्योर करता है कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है. ऐसा नहीं हो रहा कि विदाउट यू नो टेलिंग द अदर पार्टी कि उनका क्या कसूर है, क्या इशू है, यू डायरेक्टली गो टू कोर्ट. सो दैट डज नॉट सीम फेयर कि आपने दूसरी पार्टी को मौका भी नहीं दिया मामला सुलझाने का आउटसाइड ऑफ कोर्ट. नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी. अभी किस तरह से ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी को प्रमोट करता है, आप देखेंगे कि जो लीगल नोटिसेज होते हैं उसमें आपने क्लियरली और कंसाइज अपनी कम्युनिकेशन की होती है, जो भी लीगैलिटीज इन्वॉल्व होती हैं उसके अंदर आपने उन्हें डिटेल्स बताई होती हैं, सिचुएशन क्या है, इसके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, और आपकी दूसरी पार्टी के पास अवेलेबल ऑप्शंस क्या है. जैसे पीछे मैंने बताया था कि वो आप फैसिलिटेट कर रहे हो कम्युनिकेशन, तो जब आप कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करते हो उसमें आप ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी लाते हो कि आप हर चीज उन्हें बता देते हो कि उनके पास क्या ऑप्शन है, आपका क्या इशू है, एंड एवरीथिंग. ठीक है, इस तरह होता है कि पूरे प्रोसेस के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी एज मेंशन प्रीवियसली. इसके बाद हमारे पास जो थर्ड चीज है वो है इनकरेजिंग डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. ये मोर और लेस मैं बता दूं कि ये ना आपको लगेगा कि ये रेपिटेटिव चीजें हैं, क्योंकि इतनी डिटेल भी टॉपिक ऐसा है कि इसमें इतनी डिटेल्स नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम इसे हर एंगल से समझ लेंगे तो वो कुछ चीजें आपके जहन में बैठ जाएंगी फॉर लेटर ऑन इंशाल्लाह. तो इसमें अब जैसे ये इनकरेजिंग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाली बात है कि जब आप एक फॉर्मल तरीके से लीगल नोटिस भेजते हैं कि हम ये मैटर आउटसाइड ऑफ द कोर्ट सेटल करना चाह रहे हैं, तो आप एक फ्रेंडली इल विल के बगैर जो है ना मैटर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं.
इससे ये होगा कि पार्टीज जो हैं कोशिश कर सकती हैं कि बगैर वो किसी लेंथी प्रोसीडिंग्स में जाते हुए बगैर या एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीडिंग में, एज यू ऑल नो कि हमारा जो लीगल प्रोसीडिंग्स का सारा है तरीका वो कितना लेंथी होता है, एटलीस्ट एक आम बंदे के लिए जिसके कोई कनेक्शंस ना हो आई गेस, अनलेस तो यू कैन गेट थिंग्स डन, वरना तो इट टेक्स इयर्स एंड इयर्स और मैटर्स रिजॉल्व नहीं हो रहे होते। तो इसलिए एक लीगल नोटिस सर्व कर सकता है कि आप आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट कर सको, उसमें निगोशिएट कर सको, किसी और तरह के मैटर्स होते हैं तो आप एडीआर के अंदर भी जा सकते हो, जो कि आपका टाइम बहुत बचाता है एंड मॉनिटरी वाइज से इज वेरी हेल्पफुल। तो ये एक इनकरेजेबल चीज है जो कि लोगों को इस तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट चीज वी हैव इज स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस एस्टेब्लिशिंग एविडेंस लीगल एंड फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इस तरह से हो सकती है कि अगर तो आपने एक प्रॉपर टाइम के अंदर अपना लीगल नोटिस ड्राफ्ट किया है और टू द पॉइंट हर चीज उसमें लिखी है, तो जो लेटर ऑन अगर आपका लीगल डिस्प्यूट कोर्ट में चला जाता है तो वो आपकी जो पूरे केस के डायनामिक्स है ना उसको बहुत ग्रेटली इफेक्ट कर सकता है एंड इन योर फेवर। ठीक है, इससे ये होगा कि या तो लीगल कोर्ट तक बात ही नहीं जाएगी क्योंकि अदर पार्टी को ये मौका मिल जाएगा कि वो कोर्ट को जाने से पहले ही मैटर को रिजॉल्व कर ले, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल चला भी जाता है तो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि वो आपका जो लीगल नोटिस है विद इन टाइम होगा इन स्टेटिंग एवरीथिंग क्लियरली, तो वो एविडेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है ताकि ये बताया जा सके कि जो पार्टी ए थी दे डिड देयर बेस्ट टू रिजॉल्व द मैटर्स, एंड अगर कोई दूसरी पार्टी डिनाई भी कर रही है कि नहीं हमारे पास कोई लीगल नोटिस नहीं आया, हमें कोई वार्निंग नहीं दी गई, तो यू कैन प्रेजेंट योर एविडेंस कि दिस वाज द टाइम इट वाज कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी, और सारा आपका एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होगा तो इट विल होल्ड इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग इज द लीगल एंड फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस। इसमें बेसिकली ये बात है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इग्नोरिंग अ लीगल नोटिस, अगर आपको सर्व किया गया तो वो आपके लिए लीगल कॉन्सिक्वेंसेज उसमें फिर आ सकते हैं, जिसमें डिफॉल्टेड जजमेंट्स आ सकती हैं या लीगल कॉस्ट पड़ सकती हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आपको अगर सर्व हो रहा है तो आप जो है लीगल नोटिस को एड्रेस करें प्रॉपरली एंड विद इन इन द टाइमली मैनर, ठीक है, ताकि वो आपके अगेंस्ट ना यूज हो। और अगर आप लीगल नोटिस सर्व करें किसी और पार्टी पे तो वो भी वेल इन टाइम होना चाहिए और उसमें लिटरली एवरी थिंग दैट इज द इशू, जो फैक्ट से जो आपकी लीगल क्लेम्स हैं वो चीज़ें मैंशनड होनी चाहिए, बिकॉज लेटर ऑन लिटिगेशन के अंदर दिस कैन कॉज प्रॉब्लम। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ लीगल नोटिसेस की तरफ। जैसे अभी ऊपर हमने डिफरेंट लीगल फ्रेमवर्क्स के अंदर देखा था कि डिफरेंट लॉज में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, नोटिस पीरियड डिफरेंट है, लेकिन कुछ देखें आप हर तरह के जैसे रेंट में, डेफिमेशन में और कंज्यूमर के अंदर, इन सब में लीगल नोटिसेस थी। अब उनको ही हम अगर टाइप्स के अंदर देखें तो वो आ जाते हैं 5 से 6 टाइप्स के अंदर। पहला तो हमारे पास आ गया सीज एंड डिजिस्ट नोटिस। सीज एंड डिजिस्ट नोटिस बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है आपकी कि दूसरे इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन को कि जो भी वो एक्ट कर रहे हैं वो ना करें क्योंकि आपका कोई राइट इंफ्रिंज हो रहा है या आपको हार्म पहुंच रहा है। तो सीज एंड डिजिस्ट यू बेसिकली वांट देम टू स्टॉप डूइंग व्हाट दे आर डूइंग ताकि फर्दर डैमेज आपको ना पहुंचे या वो जो भी इलीगल काम कर रहे हैं उससे कोई फर्दर नुकसान ना हो। इसमें यूजुअली कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट आ जाती है या ट्रेडमार्क वायलेशन आ सकता है। ठीक है, जब कोई इलीगली आपका कॉपीराइटेड मटेरियल जैसे कोई म्यूजिक हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, कोई लिटरेरी वर्क हो गया वो यूज कर रहे हैं, तो फिर आप उनको ये सीज एंड डिजिस्ट का नोटिस भेजते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि वो जो अनऑथराइज यूज कर रहे हैं या कोई भी इंफ्रिंजिंग मटेरियल है उसको एट द वेरी सून एट द वेरी बेस्ट उसको स्टॉप कर दिया जाए। और अगर ट्रेडमार्क वायलेशन होगी तो कोई कंपनी हो सकता है आपका ट्रेडमार्क यूज कर रही हो सिमिलर टू योर कंपनी, जिसमें कस्टमर्स को कंफ्यूजन हो जाती है कि किस ट्रस्टेड ब्रांड जो हमारा है। तो जैसे एक एक केस था, देयर वाज हमदर्द लैब केस था, उसमें ये था कि आई एम श्योर आप सब फेमिलियर है रूह अफ़ज़ा से, वो एक लोकल प्रोडक्ट है एवरीवन नोस दैट। तो उस केस में यही था कि देयर वाज अनदर पार्टी जिसने सिमिलर उसका नाम बनाया था एंड सेम प्रोडक्ट तो नहीं था ऑब्वियसली, लेकिन उसकी यू नो स्पेसिफिकेशन, उसका लोगो, कलर, एवरीथिंग वाज सेम। तो उस केस में उन्होंने फिर एक टेस्ट अप्लाई किया था देखने के लिए कि क्या एक कॉमन पर्सन को कंफ्यूजन हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर एक वो जल्दी में होगा, आप में से कोई जल्दी में जाएंगे, यू जस्ट हैव टू पिक अप अ बॉटल ऑफ रूह अफ़ज़ा, एक सिमिलर बॉटल पड़ी होगी, इसका नाम डिफरेंट होगा लेकिन कलर कॉम्बिनेशन सेम है, तो आई एम श्योर कि हम में से कई होंगे जो जल्दबाजी में वो बॉटल उठा सकते हैं।
तो इस तरह के जो ट्रेडमार्क के केसेस होते हैं वहां पे भी आप सीज एंड डिसेस का नोटिस भेज सकते हैं कि कोई आपके लोगों से सिमिलर कलर्स यूज कर रहा है लोगों को मिसगाइड करने के लिए कि ये उसी से मिलता जुलता प्रोडक्ट है या उसी ब्रांड का प्रोडक्ट है। तो इन केसेस में सीज एंड डिसेस नोटिसेस यूजुअली भेजे जाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी गई है एक सॉफ्टवेयर कंपनी की कि उनके पता चलता है एक सॉफ्टवेयर कंपनी को कि देयर इज अनदर फर्म वो अपने पायरेटेड वर्जन दे रही है ऑफ सॉफ्टवेयर। हम देखते हैं कि पायरेटेड बुक्स होती हैं, पायरेटेड मूवीज मिल जा रही हैं इतनी वेबसाइट्स, तो ये भी उसी के अंदर काइंड ऑफ फॉल करता है। तो जो कंपनी है सॉफ्टवेयर कंपनी वो दूसरी ऑफेंडिंग फर्म को फिर एक सीज एंड डिसिस का नोटिस भेजेगी और उनसे डिमांड करेगी कि वो इमिजिएटली स्टॉप करें अपने सॉफ्टवेयर की जो पायरेटेड वर्जन है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन और थ्रेटन करेंगे ऑब्वियसली विद अ वार्निंग इन दैट कि वो लीगल एक्शन लेंगे अगर ये इन्फ्रिंजमेंट उन्होंने ना रोकी। सेकेंड टाइप आ जाती है हमारे पास वार्निंग नोटिस की आ जाती है। वो एक सिंपल वार्निंग आप देते हो दूसरे पर्सन को या जो भी पार्टी है उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए कि अगर तो वो आपकी डिमांड से कंप्लाई नहीं करते या आपका वो इशू रिजॉल्व नहीं कर रहे तो फिर वो आप जो उनके खिलाफ लीगल एक्शन दोगे। ये यूजुअली होता है जब डेट की कोई रिकवरी होनी हो या कोई ऐसा डिस्प्यूट हो जहाँ पे जो सेंटर है वो रेजोल्यूशन चाह रहा हो कि कोर्ट जाए वगैरह मैटर को रिजॉल्व कर ले तो आप एक वार्निंग नोटिस उन्हें भेज दोगे। ठीक है, इसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दी गई है कि एक बिजनेस प्रोवाइडर ठीक है सर्विसेज उसने दी है क्लाइंट को जिसने उसे अग्रीड अपॉन जो भी उनकी फी थी वो पे नहीं की। तो अब बिजनेस जो है वो चाह रहा है कि मैटर को रिजॉल्व किया जाए विदाउट गोइंग इनटू कोर्ट और उनको उनकी फी मिल जाए जो भी सर्विस उन्होंने प्रोवाइड की थी। तो फिर वो एक वार्निंग नोटिस भेजेंगे टू द क्लाइंट और उससे डिमांड करेंगे कि विद इन 14 डेज वो पेमेंट दे दे, अदरवाइज जो लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा अगर तो उनका डेट जो है अनपेड रहेगा। ठीक है, देन वी हैव नोटिस फॉर इनिशिएशन ऑफ लीगल एक्शन। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कुछ लीगल नोटिसेज जो हैं वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होते हैं लीगल प्रोसीडिंग की तरफ जाने में, तो यहाँ पे ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आप भेज देते हो कि दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म करने के लिए कि वी आर गोइंग इन अ लीगल एक्शन अगेंस्ट यू अगर तो आप रिजॉल्व करना चाहते हैं मैटर बिफोर कोर्ट तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप तो लीगल एक्शन की तरफ जा ही रहे लिटिगेशन की साइड पर। ये एग्जाम्पल आप देख लें कि कंज्यूमर की तरफ से अगर हम रिज्यूम करें ये कंज्यूमर ने कोई प्रोडक्ट परचेज किया यहाँ पे कोई डिफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस आ गई रिटेलर से। ठीक है, अब कंज्यूमर कोर्ट में जाने की पहले कंज्यूमर के ऊपर ये रिक्वायरमेंट है जैसा कि हमने पीछे लॉ के अंदर देखा कि उसने रिटेलर को एक लीगल नोटिस भेजना है ताकि वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट को या ठीक कर दे या उसको रिप्लेस कर दे या उसका रिफंड प्रोवाइड कर दे। तो जो कंज्यूमर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ही हैज टू सेंड अ लीगल नोटिस बिफोर अप्रोचिंग द डोर ऑफ कोर्ट। तो इस तरह रिटेलर को टाइम दे दिया गया गिवन पीरियड है कि इसके अंदर आप रिस्पॉन्ड करें और इश्यू को रिजॉल्व करें अदरवाइज कोर्ट में तो हम जा ही रहे हैं। फोर्थ वी हैव इज एविक्शन नोटिस। ठीक है, दिस इज अनदर टाइप ऑफ लीगल नोटिस जो कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में यूजुअली होता है कि लैंडलॉर्ड एविक्शन नोटिस भेजते हैं टेनेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए कि उनको जो प्रेमिसेस है उनको खाली करना होगा विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। उस ग्राउंड जो हो सकते हैं वो मेंशन होती है विद इन द लॉ भी एंड नोटिस के अंदर भी मेंशन होगी, जैसे वो नॉन पेमेंट ऑफ रेंट हो सकता है या लीज टर्म्स की वायलेशन हो सकती है। तो जो लैंडलॉर्ड है फिर इस तरह एविक्शन नोटिस टेनेंट को भेजेगा जिसने अपना रेंट नहीं पे किया फॉर एग्जाम्पल टाइम के ऊपर। तो फिर नोटिस में सारी चीजें आउटलाइन कर दी जाएगी कि ओवर ड्यू रेंट अमाउंट है और आपको 30 डेज दे रहे हैं, या तो आप रेंट पे कर दें या फिर आप प्रेमिसेस को खाली कर दें। तो ये एक और तरह का लीगल नोटिस है जिसको हम एविक्शन नोटिस कहते हैं लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स के बीच में यूजुअली यूज सी या प्रॉपर्टी के अंदर। फिर आगे दो और तरह के नोटिसेस हैं नोटिस फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड डेफेमेशन नोटिस। ये भी ऑब्वियसली क्योंकि जैसा भी जिस लॉ के अंदर जो भी लीगल क्लेम होगा तो वो लीगल नोटिस आपका उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप सेक्शन 8 डेफेमेशन के अंदर जा रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली वो लीगल नोटिस आपका डेफेमेशन नोटिस हो जाएगा जिसमें आप दूसरी पार्टी को बेसिकली इन्फॉर्म कर रहे हैं जिसने भी आपके खिलाफ कोई डेफेमेटरी स्टेटमेंट दी है या कोई गलत बात की है जिससे आपको नुकसान भी पहुंच रहा है। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि या तो अपनी स्टेटमेंट वापस लें और अपोलोजाइज करें जिस भी मीडियम के थ्रू उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, अदरवाइज ऐसा ना हुआ तो लीगल एक्शन परस्यू किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में एक इंडिविजुअल ने
एक डिफेमेशन नोटिस भेज दिया न्यूज़पेपर को, ठीक है, उसने आगे से एक फॉल्स एलिगेशन पब्लिश कर दिया जो कि स्पेसिफिक बंदे की रेपुटेशन को डैमेज कर रहा था। तो अब उसमें यही हुआ कि जो नोटिस था उससे वो यही डिमांड कर रहा था कि क्योंकि आपने न्यूज़पेपर में ये मेरे खिलाफ डेफिमेटरी स्टेटमेंट आई है तो एक पब्लिक अपॉलॉजी होनी चाहिए और अपनी स्टेटमेंट आपको वापस लेनी है विद इन 14 डेज, अदरवाइज दे आर गोइंग फॉर अ डेफिमेशन सूट अगेंस्ट दैट पर्सन। एंड सिमिलरली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो गया, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट के केसेस या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है कि दिस नोटिस इज यूज इन केसेस जहाँ एक पार्टी आपका कॉन्ट्रैक्ट रिक्वेस्ट करती है दूसरी पार्टी से कि आपकी जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको फुलफिल करें। और अगर एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि एक बायर ने सेंड किया नोटिस फॉर अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टू अ सेलर जो कि अपना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बहुत अर्से से डिले कर रहा था और उसको पेमेंट भी ऑलरेडी मिल चुकी थी। तो यहाँ पे फिर वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का बेसिकली नोटिस है जो फर्दर सूट भी फाइल करेगा कि वो डिमांड कर रही है कि जो सेल का प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाए जो भी गिवन रीजनेबल टाइम के अंदर है, अदरवाइज लॉ सूट इनिशिएट हो जाएगा। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ लीगल नोटिसेस जो कि आप अपनी डेली लाइफ में देखेंगे या अंडर डिफरेंट लॉज जो है वो आपको देखने को मिलेंगे एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब यहाँ पे आई मेंशन अ फ्यू केस लॉज जिसमें बेसिकली हाईलाइट किया गया है कि लीगल नोटिस जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी, और लीगल नोटिस को अगर आप ड्राफ्ट करें तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। ये बिल्कुल ब्रीफली बेसिकली उनका क्रक्स आप कह लें या हाईलाइट किया सिर्फ एक स्पेसिफिक 2-3 लाइन्स के अंदर। जैसे फर्स्ट हमारे पास 2 केसेस की है साइटेशन बेसिकली, ये पार्क सुजुकी सुजुकी मोटर्स कंपनी वाला इसमें जो केस था एंड देन अदर वन था उसमें यही था कि जो लीगल नोटिस और आपकी प्लीडिंग्स होती है ना वो बहुत प्रिसाइज और कम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, ठीक है। अगर तो क्लेमेंट जो है ही फेल्स टू स्पेसिफाई द डिफेक्ट्स इन लीगल नोटिस एंड प्लीडिंग्स तो उसके क्लेम्स का डिसमिसल हो गया ऑन दिस बेसिस। तो कोर्ट का जो इंसिस्टेंस थी वो इस चीज़ पे थी कि जो भी आप एलिगेशन लगा रहे हैं वो आपके लीगल नोटिस और प्लीडिंग्स दोनों में बहुत क्लियरली और स्पेसिफिकली मेंशन होनी चाहिए, उसी की बुनियाद पे आपका सक्सेसफुल क्लेम बनेगा। ये नहीं हो सकता कि आपने लीगल नोटिस में उस चीज का जिक्र ही नहीं किया व्हाट वाज द इशू एंड लेटर ऑन आप उस चीज को ला रहे हैं, तो पहले तो आप वो हाईलाइट ही नहीं कर सके एंड देन वो इट वॉन्ट वर्क इन योर फेवर, सिंपल एज दैट। तो जो प्लीडिंग्स तो होंगी लेकिन अपने लीगल नोटिस में भी आपने बहुत क्लियरली और प्रिसाइजली बताना है जो भी आपका क्लेम है ताकि लेटर ऑन वो आपके लिए प्रॉब्लम कॉज ना करें। देन वी हैव अनदर वन दैट इज काजम अली वर्सेस इसहाक अली। इसमें जो देखेंगे ये डेफमेशन का केस था, ठीक है, और इसमें दे हैड टू स्टिक विद द प्रोसीजर रूल्स रिगार्डिंग द लीगल नोटिस। ये हमने देखा कि इट वाज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि लीगल नोटिस जो है वो भेजा जाना चाहिए। तो यहाँ भी यही हुआ था कि जो अपेलेंट है ही फेल्ड टू इशू अ टाइमली लीगल नोटिस जैसे कि रिक्वायर्ड है बाय द ऑर्डिनेंस, जिसकी वजह से ही हैड टू फेस द डिसमिसल ऑफ द अपील। और कोर्ट ने इसी चीज के ऊपर फिर एम्फसाइज किया था कि कितना जरूरी है टू फॉलो द प्रोसीजर दैट हैज बीन मेंशन इन द लॉ एंड दैट इज ऑफ लीगल नोटिस। उन्होंने नहीं अहमियत दी कि भाई लीगल नोटिस ना भी भेजो डायरेक्टली कोर्ट में जाए, बट यहाँ पे नजर आता है कि जब एक स्पेसिफिक लॉ के अंदर लिख दिया गया कि आपने लीगल नोटिस भेजना है तो फिर वो आपके ऊपर एक ड्यूटी ऑब्लिगेशन बन जाती है। देन इट्स नॉट अप टू यू, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, पार्ट ऑफ द प्रोसीजर जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप फुलफिल करना होगा। देन वी हैव अब्दुल रऊफ खान वर्सेस मीजान बैंक लिमिटेड। ये भी एक डिसीजन है जिसमें जो है ज्यूरिसडिक्शनल एस्पेक्ट ऑफ लीगल नोटिस पे बात हुई थी। इसमें कोर्ट ने बेसिकली हाईलाइट किया था कि आप जहाँ भी लीगल नोटिस सर्व अपॉन करेंगे तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ही ज्यूरिसडिक्शन भी हाईलाइट और डिसाइड होगी। तो लीगल एक्शंस बेसिकली जिस भी कोर्ट्स में इंस्टीट्यूट होंगे वो अपनी प्रॉपर और अप्रोप्रिएट टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शंस के अकॉर्डिंग ही होगी। ये नहीं हो सकता कि आप एक्सपेक्ट करें कि लीगल नोटिस आप एक जगह सर्व करें बट यू वांट कि कोर्ट या ज्यूरिसडिक्शन जो है इसकी आपकी पसंद की जगह पे होगी, नो दैट्स नॉट गोना हैपन। जहाँ आप सर्व करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी उसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होगी जहाँ पे वहीं पे कोर्ट की जो रिस्ट्रिक्शन बनती होगी जिस कोर्ट की दैट इज गोइंग टू लुक अपॉन टू दैट मैटर। नेक्स्ट अगेन वी हैव फ्यू अदर केसेस। वी हैव मोहम्मद अशरफ वर्सेस मोहम्मद अख्तर। इसमें भी इन्होंने लिखा है बेसिकली भी एक दो केसेस थे जिसके अंदर ये बात हुई थी कि लीगल नोटिसेस और लिमिटेशन पीरियड का भी आपस में एक लिंक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैटर्स के अंदर।
और इसमें था एक द कोर्ट्स डिसमिस द क्लेम फॉर बीइंग टाइम बार्ड डिस्पाइट द इश्यूएंस ऑफ लीगल नोटिस हाइलाइट्स द क्रिटिकल रोल ऑफ टाइमिंग इन लीगल प्रोसीडिंग। अब इस केस में ये चीज नजर आती है कि ऑल्दो लीगल नोटिस तो चला गया था बट मैटर ये है कि किस कितने टाइम के बाद उसने लीगल नोटिस भेजा था एंड इट क्लियरली शोज कि जो लीगल नोटिस था पता नहीं उसने साल बाद भेजा कितने साल या महीने बाद भेजा जो भी उसका सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस है लेकिन इट वाज डिसमिस ऑन दिस बेसिस कि वो जो लीगल नोटिस था और उसके ऊपर जो उसका क्लेम बन रहा था वही टाइम बार था। तो इवन आपने लीगल नोटिस भेज भी दिया इट वॉन्ट बी हेल्पफुल अगर आपका क्लेम ही जो है वो लिमिटेशन पीरियड क्रॉस कर चुका है। तो इन चीजों का भी ख्याल रखना है कि सिर्फ लीगल नोटिस भेजना है इनफ नहीं यू हैव टू सी कि वेदर इट इज यू नो इन द टाइम लाइन और लिमिटेशन पीरियड और नॉट। देन अगेन द अदर टू केसेस उसमें भी इस चीज पे ही जोर दिया गया है कि जो इश्यूएंस ऑफ लीगल नोटिस है वेकेशन ऑफ प्रॉपर्टी के सिलसिले में वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। आप सिर्फ सडनली किसी को प्रेमिसेस से निकाल नहीं सकते पहली इसकी रिक्वायरमेंट यही है कि आप उसे एक नोटिस इशू करेंगे जिसमें उसके पास एक रीजनेबल टाइम पीरियड आ जाएगा कि वो जगह को खाली कर सके मैटर को दूसरी तरह रिजॉल्व कर सके जैसा कि आप चाह रहे हैं। इसके बाद लास्ट वन इज दैट द कोर्ट हैज रेफर्ड टू लीगल नोटिस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड एंड हेल्ड विदाउट सर्विस ऑफ लीगल नोटिस अ सूट फॉर मलिशियस प्रोसिक्यूशन कैन नॉट प्रोसीड। अगेन इट एम्फसाइजेस ऑन द इम्पॉर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ सेंडिंग अ लीगल नोटिस बिकॉज उसकी सर्विस के बगैर और विदाउट गिविंग द लीगल नोटिस सर्टन प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी इनिशिएटेड। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इसके अलावा देयर इज एन अदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू वो होगी बेसिकली गाइडलाइन है ऑन ड्राफ्टिंग द लीगल नोटिस। आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन ताकि इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप आई एम गोइंग टू लुक एट देम। वैसे चैट्स मैंने देखी नहीं है अपोलोजाइज फॉर दैट। जी आपका जो भी क्वेश्चन है आप बेशक चैट में लिख दें तो आई विल ट्राई टू लुक अप एंड टू इट। मैम आई वॉन्ट टू आस्क कि जो आपने एडीआर की बात तो की लेकिन हमारे पास क्या ऑप्शंस होती हैं एडीआर में अगर हम जाना चाह रहे हैं तो क्या उसको लीगली कोई असिस्टेंस हमें किस तरह मिलती है उसकी पाकिस्तान में उसको किस लेवल पे इन्फोर्स किया जाता है। अब ईडीआर में देखो अगर अब तो काफी लॉज है सिविल के सीपीसी के अंदर भी जहाँ कुछ सेक्शंस में या कुछ मैटर्स के अंदर इट्स कोर्ट जो है वो इस चीज को इनकरेज करती है कि पहले जो आप अपना मैटर जो है ईडीआर आर्बिट्रेशन या मीडिएशन के थ्रू अप्रोच करो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये कोर्ट में तो जाने के बाद है उससे पहले अगर आप रिजॉल्व करना चाहते हो तो आप कोई भी लॉयर ले सकते हो आपके सराउंडिंग में या फर्म्स हैं जो अब इस चीज को इनकरेज करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो बंदा कोई लॉयर ही हो लेकिन इट इज बेटर कि वो फॉर्मेलिटीज को लुकअप कर सकते हैं आप किसी इंडिविजुअल लॉयर के तरफ पास जा सकते हैं या प्रॉपर जो फॉर्म्स हैं जो एडीआर का काम कर रहे हैं उनको आप अपना उसमें फिर ये हो जाता है कि इंस्टीट्यूशनल हो जाता है और एक एडहॉक हो जाता है। इंस्टीट्यूशनल एडीआर जो होगी वो फिर ये होगी कि सारी जो जिम्मेदारी है मैटर्स इन टर्म्स एवरीथिंग वो इंस्टीट्यूशन के ऊपर चली जाती है कि उन्होंने हैंडल करनी है टाइमिंग एंड एवरीथिंग जो भी होगा। ऑब्वियसली वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है एज कम्पेयर टू अगर आप प्राइवेटली अपना मैटर एडीआर के थ्रू रिजॉल्व करते हो। लेकिन जो प्राइवेट होगा उसमें एवरीथिंग इज अप टू यू कि आपने कौन सा लॉ एप्लीकेबल करना है क्या टाइमिंग रखनी है ये किस जगह पे होना चाहिए एंड एवरीथिंग। तो ये फर्क आ जाता है लेकिन इट कैन बी डन यू कैन अप्रोच एनी वन फॉर दैट मैटर। ऐसी कोई बात नहीं है कि यू नो और कोर्ट्स जो है अब इनकरेज करती हैं बहुत ज्यादा कि आर्बिट्रेशन की तरफ मूव किया जाए ताकि कोर्ट्स के ऊपर से बर्डन कम हो जाए और ये इट्स यू नो कह सकते हैं इट्स हेल्पफुल ऑन योर पॉकेट इज वेल और टाइम ये आपके ऊपर बहुत बचत होती है। ठीक है आई गॉट इट। और इसके अलावा आपने इंस्टीट्यूट्स की बात की, डू वी हैव सच इंस्टीट्यूट्स इन द स्मॉलर सिटीज या ये सिर्फ लाहौर और कराची वगैरह में ही है इस तरह के इंस्टीट्यूट्स, एंड कैन यू नेम एनी ऑफ देम? बेसिकली अक्सर तो लॉ फर्म्स ही होते हैं यूजुअली जो एडीआर का भी आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आपकी बात ठीक है कि जो बिग सिटीज हैं वहाँ पे ये सहूलत अभी ज़रा ज़्यादा है और अवेयरनेस ज़्यादा है लेकिन हम देखते हैं स्मॉलर सिटीज में यूजुअली पंचायत वाला सिस्टम होता था तब लेकिन अगर आप उसे फॉर्मली देखा जाओ तो वो एडीआर ही होता है लेकिन ऑब्वियसली उसकी थोड़ी डिफरेंट होंगी आप कह सकते हैं स्केलिंग या कुछ
लेकिन यही है कि अगर आप स्मॉल सिटीज में नहीं है तो वहां पे इस चीज को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, यू कैन बी द फर्स्ट पर्सन टू डू दैट। लेकिन हाँ, अगर आपके पास इंस्टीट्यूशंस नहीं है तो आप सिंपल लॉयर्स को अप्रोच करके ये चीज कर सकते हो। लेकिन ये भी देखने वाली बात होती है कि काफी लॉयर्स भी इस चीज के हक में नहीं जा रहे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज वो अपने चक्रों में होते हैं। लेकिन आई होप कि यू नो पीपल चेंज देयर थिंकिंग विद टाइम। बाकी इंस्टीट्यूशंस में ये जैसे आपने नाम लिया है, अभी मेरे पास इंस्टीट्यूशंस के एज सच नाम नहीं है आई थिंक, लेकिन हाँ फर्म्स होते हैं जो उनके साथ ये वाली सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फर्म्स आपको बेतहाशा बेशुमार मिल जाएंगे। एक्सक्यूज मी मैम, आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन। तीन बातें हैं। एक बिल्कुल तो जो आपने जो जो स्लाइड शेयर किए हैं, अगर ये काइंडली ग्रुप में भी शेयर हो जाए ये बेहतर जी, है। ऑफ कोर्स, डोंट वरी, ये स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, और जो अच्छा गाइडलाइन है लीगल नोटिसेस की वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर हो जाएगी। जी, थैंक यू। दूसरी बात ये है मैडम कि अगर कोई वर्बल गुफ्तगू हो रही है दो बंदों के दरमियान या रिटर्न चीजें नहीं है, क्या उस पर जी लीगल नोटिस हो सकता है? और सेकेंडली, एक वक्त था जब लोग जो है रजिस्टर्ड करवाते थे या TCS के जरिए लीगल नोटिस भेजते थे, क्योंकि आजकल ईमेल, व्हाट्सएप और ये चीजें हो गई, जी क्या उसके थ्रू भी एक्सेप्ट? ऑफ कोर्स भेजा जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली बेहतर तो यही है कि आप जो है लीगल नोटिस फॉर्मली, अगर रिटर्न फॉर्म में चला जाएगा तो इट्स मोर इफेक्टिव एंड मोर डॉग। वैसे तो ईमेल एंड के थ्रू भी चला जाता है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। अच्छा मैम, हमने डिफिनीशन से स्टार्ट लिया था कि लीगल नोटिस जो है वो कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है। फिर हम जी उनके टाइप्स पे आ गए कि जो एक्चुअल में जो है उसके पर्पसेस को हाईलाइट करता है, कि एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भी हो सकती है, एक वार्निंग हो सकती है, अगर कोई इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो उसके लिए अगर कोई लीगल एक्शन वो इनिशिएट करना चाह रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हो सकती है। फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे हम आ गए, फिर बिल्कुल बिल्कुल डिफॉर्मेशन पे हम आ गए। तो डिफमेशन में जिस तरह सेक्शन 8 की हमने बात की कि वहाँ पे एक स्पेसिफिक जो है वो फ्रेमवर्क दिया गया है कि किस तरीके से हम एक लीगल नोटिस जो है वो सर्व कर सकते हैं। जी तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने मतलब इस पूरे टॉपिक में जिस तरीके से हमने पढ़ा है, तो क्या हमने इसको लिमिटेड नहीं रखा है रिटन मतलब फॉर्म के ऊपर? तो क्या एक लीगल नोटिस जो है वो ओरल फॉर्म में भी हो सकता है? क्योंकि अगर हम इसके टाइप्स या इसके पर्पसेस को देखें, और फिर जो स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, तो मेरे ख्याल से वो भी ओरल भी इसमें आ सकता है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि क्या ये जरूरी है कि एक लीगल नोटिस जो है वो रिटन फॉर्म में ही हो? बिल्कुल, ये चीज जरूरी है कि रिटन फॉर्म में हो, क्योंकि अभी हमने इसके पर्पसेस और फंक्शंस में और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस में बात की थी कि एक रिटन फॉर्म में होने में आपके पास एक रिकॉर्ड आ जाता है कि आपने अपनी तरफ से एक काम किया था। सिर्फ ऑरली आप बात करेंगे उसका आपको साबित करने का आपके पास क्या प्रूफ होगा कि मैंने इन्हें लीगल नोटिस फॉर एग्जाम्पल वार्निंग दी थी ये काम ना करें, ये तो कोई भी डिनाई कर सकता है। यू डोंट हैव एनीथिंग टू प्रूव दैट कि आपने अगली पार्टी को मौका दिया था। अगली पार्टी डिनाई कर सकती है कि इन्होंने तो हमें चीजें सॉल्व करने का मौका ही नहीं दिया। आपको हो कि जी मैंने तो वार्निंग दी थी, टाइम भी दिया था, तो हाउ कैन यू प्रूव दैट इन द कोर्ट? कैन यू प्रूव दैट? सिर्फ ऑरली अगर आपने किसी को वार्निंग दी है या टाइम दिया है कि भाई 10 दिनों के अंदर अंदर आप ये चीज जो डिफेक्टिव चीज है इसको या तो वापस रिफंड करो या मुझे नहीं दो, एंड वो नहीं करता 10 दिन के अंदर, और फिर जी आप कोर्ट चले जाते हैं, देयर यू गो, रिक्वायरमेंट है कि भाई आपने तो सेलर को भेजना है लीगल नोटिस और फिर आपने कोर्ट में आना, तो आपको हो कि मैंने तो फॉर्मली मतलब ओरली उनको कह दिया था, तो वो चीज ना आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगी और आपके केस के ऊपर वो बहुत बैडली रिफ्लेक्ट करेगी। रिटर्न होने के न्यूमरस फायदे हैं कि रिकॉर्ड में आ जाता है, आप उसको एविडेंस के तौर पर पेश कर सकते हो, आप अपनी तरफ से ये दिखाते हो कि मैंने पूरी कोशिश की ये इंश्योर करने की कि दूसरी पार्टी को मौका दूँ कि वो मैटर्स को रिजॉल्व करे। तो जब हर चीज रिकॉर्ड में आ जाती है ना तो वो आपके फेवर में इफेक्ट करेगी, अदरवाइज एवरीथिंग विल गो अगेंस्ट यू बिकॉज यू कैन नॉट प्रूव इट। आई होप इट्स मैम, क्लियर। यस मैम, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि जो लीगल नोटिस है उससे मतलब उससे पहले अगर हम मतलब कोर्ट जाना पड़ता है कि केस रजिस्टर होगा, मतलब हम कोर्ट को ही बताएंगे कि हम फला इंसान को लीगल नोटिस भेज रहे हैं, या हम नहीं, डायरेक्ट किसी एडवोकेट के थ्रू भेज सकते हैं? एग्जैक्टली, आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होती, यू कैन सिंपली गो टू अ लॉयर और उससे आप कह सकते हो कि आपका ये इश्यू है एंड यू वांट टू सेंड अ लीगल नोटिस, क्योंकि ये सारा काम है कोर्ट में जाने से पहले का।
फिर कोर्ट में जाते हो जब तक आप फिर बता सकते हो, आपको पहले किसी कोर्ट को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। यू कैन गो टू अ लॉयर एंड यू नो टेल देम कि व्हाट इज द इशू एंड यू वांट टू सेंड अ लीगल नोटिस। बट मैंने फैमिली केस में ये पढ़ा था कि पहले केस रजिस्टर होता है, देन जज जो है वो लीगल नोटिस भेजता है सामने वाली पार्टी को, इफ अगर हम जो है मेंटेनेंस वगैरह का केस कर रहे हैं तो. वो ऑब्वियसली वो फिर केस टू केस वेरी कर सकती है चीज की रिक्वायर उस मतलब उस लॉ की क्या रिक्वायरमेंट है, वो तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ नहीं लिखा। हो सकता है आपकी बात इसमें आई एम श्योर सही हो सकती है जिससे मैं उतना फेमिलियर नहीं हूँ, लेकिन एज फार एज आई नो जब आपने किसी को वार्निंग भेजनी है, और वो जो आप नोटिस की बात कर रहे हो ना, आई थिंक दैट्स डिफरेंट कि दूसरी पार्टी को नोटिस भेजना टू मेक देम वो जो भी आप कह रहे हैं मेंटेनेंस की चीजें, दैट्स टू इन्फॉर्म दी अदर पार्टी। लेकिन आपका जो यहाँ पे हम जनरली इश्यूज की बात कर रहे हैं नॉट द फैमिली मैटर्स, उसमें भी ये है कि आप दूसरी पार्टी को इनिशिएट कर सकते हो कि मैं मैटर्स रिजॉल्व कराना चाह रहा हूँ। लेकिन देखो क्योंकि कई केसेस में होता है कि लेटर ऑन भी रिस्पॉन्डेंट साइड को नोटिस भी भेजे जाते हैं कि वो कोर्ट में अपियर हो, प्रेजेंट करें एंड एवरीथिंग। तो हो सकता है आप उस चीज की बात कर रहे हो, लेकिन आप पहले जो है नोटिस भेज सकते हो, वो आपका कोई भी इश्यू हो। ये जरूरी नहीं है कि आपने भेजना ही नहीं है। इफ यू वॉन्ट टू सॉल्व मैटर्स यू नो आउटसाइड कोर्ट, तो फिर इट्स अ गुड वे टू गो। अच्छा मैम, एक मेरा क्वेश्चन था, कैन यू हेल्प मी? जी, मैम, जो लीगल नोटिस इशू करते हैं, क्या ये हम एक जो हमारी फ्रेम होती है उसके थ्रू हम उसको इशू करेंगे, या एक इंडिपेंडेंट वकला जो है वो डायरेक्टली उनको लीगल नोटिस सर्व कर सकते हैं, अगर तो अगर देखिए वो आपके लॉयर के थ्रू किसी, जाएगी। जी हाँ अगर, जी क्योंकि मैं खुद लॉयर हूँ, अगर ओके वो स्टूडेंट हूँ तो अगर वो मैं डायरेक्ट भेजूँ, मैं किसी फॉर्म से लिंक नहीं हूँ और मैं बाहर ठीक में है। एनरोल्ड भी नहीं हूं, तो फिर क्या वो मैं लीगल नोटिस इशू कर सकता हूँ? देखो आप फिर एज अ लॉयर नहीं वो लीगल नोटिस इशू कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एनरोल्ड नहीं हो, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो ये आपके लिए ना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और जो एथिक्स है बेसिकली वो उसमें बहुत क्लियरली ये प्रोविजन है कि इफ यू नो समवन इज प्रटेंडिंग टू बी अ लॉयर और उसकी बेस पे आप कोई ऐसा एक्शन लो, तो वो आपके लिए काफी कॉम्प्रोमाइजिंग हो सकता है। तो नेवर आपने प्रटेंड नहीं करना कि आप लॉयर, लेकिन हाँ आप अपने तौर पे एक वार्निंग लेटर भेज सकते हो विदाउट सेइंग कि यू आर अ लॉयर और एनीथिंग, पर वो उसका लीगल नोटिस आप उन्हें ये बता दो कि मैं लीगल आपकी जो है इनिशिएट करूंगा प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ इफ यू आर नॉट गोइंग टू। लेकिन ऑब्वियसली किसी लॉयर के थ्रू आप भेजोगे तो ज्यादा इम्पैक्टफुल है, एंड लीगल नोटिस फिर उसी तरह से लाइक उसका पर्पज फुलफिल वैसे ही होगा ना। मैम, दूसरा ये था कि अगर ये फर्म के थ्रू जाएगा या इंडिपेंडेंट वकला भी वो शेयर कर, नोटिस दे सकते देखिए हैं? आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं ठीक है, जो लीगल नोटिस है अपने तौर पे भी कर सकते हैं किसी लॉयर के थ्रू जो कि एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है, या कंपनी के थ्रू भी जा सकता है, या कोई एक ऐसा शख्स हो जाता है जिसको आपने फॉर एग्जांपल पावर ऑफ अटर्नी दिया हो अगर, तो इन तीन बेसिकली के थ्रू जो है लीगल नोटिस आप भेज सकते हैं, थैंक यू मैम, थैंक अपने यू सो लॉयर मच। के थ्रू आप खुद, या फिर जिसको भी आपने पावर ऑफ अटर्नी दिया होगा आपने। नो अच्छा मैम, प्रॉब्लम अगर एक लीगल नोटिस जो है वो किसी को सर्व हो जाता है, तो मेरे जी। लिए दो क्वेश्चन है कि आया ये जरूरी है कि हम उसको जो है वो आंसर करें, और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, अगर हम उसकी रिप्लाई नहीं देते हैं तो उसकी मतलब हमें एडवांटेजेस या उसके अगर डिएडवांटेजेस है तो वो क्या हो सकते हैं? देखिए अगर तो फॉर एग्जांपल आपको कोई आता है लीगल नोटिस सर आप पे किया जा रहा है, तो आपको कुछ चीजें जो है ना कंसिडर करनी होंगी उसके अंदर। ये है कि आपको ये देखना है पहले तो ये जो लीगल नोटिस का कंटेंट है वो उस एग्रीमेंट से रिलेटेड है जो कि पार्टीज के दरमियान है, यानी कि आप चेक कर रहे हैं उसका लिमिटेशन पीरियड आपको देखने की ये बंदा कितने टाइम बाद ही लीगल नोटिस भेज रहा है। अगर तो वो टाइम बार्ड होगा तो एक सिंपल लाइन से जो है ना उस लीगल नोटिस की कोई अहमियत नहीं रहेगी, यू कैन सिंपली से कि ये टाइम बार्ड है। उसके अलावा आपने देखना होता है कि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है ठीक है जो आपके ऊपर है जो आपने फुलफिल नहीं की, और ये चीज है उसके खिलाफ फिर आपने डिफेंसेस अपने देखने होंगे कि काउंटर क्लेम्स क्या। लेकिन इस चीज की मैं आपको बता दूं कि ये बेहतर है कि ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द लीगल नोटिस इंस्टेड कि आप ये करो कि हमें जी मिला ही नहीं है, सर्व अपॉन नहीं हुआ, या आप रिसीव ही ना करो। ये चीज आपके फेवर में नहीं जाएगी, मे भी किसी के जाती होंगी कुछ टैक्टिक्स होते होंगे, लेकिन पर्सनली स्पीकिंग आई वुड नेवर रिकमेंड कि आप इस तरह करो। अगर आपको एक लीगल नोटिस सर्व हो गया तो बेहतर ये है कि आप ये सारी चीजें चेक करो, उसकी टाइम बार है या नहीं, अपना रिस्पॉन्स देखो कि उसकी क्या ड्यूटीज थी, अगर उसकी तरफ से कोई ड्यूटीज थी जो उसने फुलफिल नहीं की इसीलिए आपने नहीं वो काम किया,
आप अपना काउंटर क्लेम डाल सकते हो, डिफेंस डाल सकते हो अपने रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है। और इससे आपको भी एक आउटलाइन मिल जाएगी कि अगर ये बंदा जा रहा है कोर्ट में तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अपना काउंटर थ्रेट दे सकते हो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उल्टा आप डैमेजेस सीख कर सकते हो दूसरी पार्टी से कि उन्होंने भी तो ब्रीच किया था, ठीक है, जिसकी वजह से दूसरी पार्टी को ये चीज डिस्करेज कर सकती है कि वो खुद कोर्ट में ना जाए। अगर उन्हें ये पता चल गया कि भाई अगले बंदे को पता है कि उसके मैंने भी राइट्स वायलेट, तो हो सकता है आगे खुद ही कोर्ट में आ जाए। लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होगा या कोई जवाब नहीं होगा प्रॉपर, तो वो फिर उस चीज के ऊपर ना उसे एडवांटेज हो जाएगा, वो उसके फेवर में जाएगी। आपने हर चीज का जवाब दिया और काउंटर थ्रेट से काउंटर क्लेम्स किए हो ना, तो वो आपको बेनिफिट करेगी चीज। जी मैम। अच्छा मैम, हमने बात की कि लीगल नोटिस जो है, मतलब अगर उसकी हम रिप्लाई जमा कर देते हैं, लेकिन अगर हम रिप्लाई जमा कर देते हैं और हमारा कोई काउंटर क्लेम बनता है या किसी तरीके की भी हमारे बीच अगर कोई कम्युनिकेशन हो जाती है थ्रू लीगल नोटिस, तो उसकी लीगल स्टैंडिंग क्या होगी? जिस तरीके से हमने कहा कि ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन है, तो आया इसकी एविडेंट्री जी वैल्यू क्या होगी? क्योंकि हमने ये भी कहा कि ये एविडेंशियल प्री वैल्यू, ट्रायल जो जी है। जी 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 प्लीज। जी आप कंटिन्यू करो अपना क्वेश्चन। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि इसकी एविडेंटी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमने ये कहा कि ये प्री ट्रायल जो है, लीगल नोटिस जितनी भी है वो हम प्री ट्रायल जो है वो सर्व करते हैं किसी को जो है, अगर जी किसी के खिलाफ बिल्कुल, हमने लीगल एक्शन जो है वो इनिशिएट करना होता है तो उसके लिए हम करते हैं, या कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट, तो ये सब जो है उससे पहले होता है। तो क्या इसकी फिर एविडेंट्री बिल्कुल वैल्यू कोई होगी, क्योंकि हमने कहा कि ये सिंपल एक एविडेंशियल वैल्यू, कम्युनिकेशन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। वैल्यू इसकी सिर्फ इस हद तक होगी ना कि वो ये चीज रिप्रेजेंट, ऑब्वियसली जो आपके केस के सर्कमस्टांसेस से उनकी एविडेंस तो मेन तो दूसरी होगी, लेकिन क्योंकि लीगल नोटिस इटसेल्फ जैसा कि हमने पढ़ा कि एक बस एक फॉर्मेलिटी है कई जगह पे कि आपने इनिशिएट प्रोसीडिंग से पहले ये भेजना होता है, तो एविडेंशियल वैल्यू इतनी हो सकती है कि वो आपको जजेस के सामने या जो भी है आगे उनके लिए पॉजिटिव लाइट में शो करेगी कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैटर्स को प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व किया जाए, आपने टू द पॉइंट जो है प्रोसीजर फॉलो किया जो कि था लीगल नोटिस भेजना, फिर लीगल नोटिस के अंदर आपने विद इन टाइम भेजा, ठीक है, उसमें आपने अपने सारे क्लेम्स लिखे जो कि आप लेटर ऑन बता भी रहे हो, सारे इश्यूज लिखे, और ये भी नजर आएगा कि आपने दूसरी पार्टी को एक फेयर चांस दिया कि तुम अगर मैटर्स को समझाना चाहते हो तो गो अहेड। लेकिन क्योंकि अगली पार्टी ने नहीं किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने व्हाटसोएवर, तो वो आपको एटलीस्ट गुड स्टैंडिंग में रखेगा। अगर इनमें से आप कोई चीज मिस करते हो तो वो फिर आपके अगेंस्ट जाएगी, लेकिन आपने ये मेक श्योर करना होता है कि आपके खिलाफ ना जाए, तो इट्स लाइक वन ऑफ द स्मॉल स्टेप्स बट इट इज इम्पोर्टेंट। डिड यू गेट इट? जी जी बिल्कुल। थैंक यू मैम। ओके, नो प्रॉब्लम। एनी मोर क्वेश्चंस? वैसे चैट में काफी ज्यादा आई एम सीइंग क्वेश्चंस की लीगल नोटिसेस को ड्राफ्ट करने का एक टेम्पलेट्स एंड एवरीथिंग, तो हमारे पास ऑनलाइन काफी अवेलेबल है, स्पेसिमेंस अवेलेबल होते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। अगर इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड और आप लोगों को अच्छा लगा होगा लेक्चर, तो हम एक और सेशन अरेंज कर सकते हैं जिसमें वी कैन स्पेसिफिकली फोकस ऑन ड्राफ्टिंग लीगल नोटिसेस, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सिर्फ था पर्पज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल नोटिसेस, हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट था, तो वी स्टिल हैव 2 मिनट्स आई गेस, तो इसके अंदर फिर हर चीज कवर करना थोड़ी मुश्किल थी। वैसे मैं आपके साथ एक गाइडलाइन शेयर करूंगी, उसमें क्लियरली बता दिया गया है एक लीगल नोटिस के अंदर क्या क्या चीजें होना नेसेसरी है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो लीगल नोटिसेस बेसिकली उसमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि बहुत कंसाइज होने चाहिए और टू द पॉइंट होने चाहिए, ठीक है, उसमें आपने एक्स्ट्रा डिटेलिंग नहीं लिखनी होती बिल्कुल भी। लेकिन मैं ब्रीफली आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि जो अच्छा लीगल नोटिस होगा ना, जो आप चाहोगे कि जरूरत से ज्यादा लंबी चौड़ी उसमें तमीज ना बांधी हो एंड स्टफ लाइक दैट, तो आपने जो है क्लैरिटी होनी चाहिए और कंसाइज होना चाहिए आपका लीगल नोटिस, ठीक है, ताकि आप जो भी बात है डायरेक्टली टू द पॉइंट कर रहे हैं। उसके अलावा लीगल कंप्लायंस होनी चाहिए कि जो रेलिवेंट लीगल प्रोविजंस हैं, प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी फॉलो हो रही हो, और उसके अंदर आपने एड्रेस कर देने के अंडर व्हाट लॉ योर राइट इज बीइंग वायलेटेड, ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। फिर फैक्चुअल एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, इन नोटिस में क्लियरली लिखा होना चाहिए कि क्या रेलेवेंट फैक्ट्स थे, जो एलिगेशन थे, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हमने एक केस में देखा था कि
वो अपने लीगल नोटिसेस में डिफेक्ट जो था ना हाईलाइट नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने ये चीजें लीगल नोटिस में मेंशन नहीं की, लेटर ऑन प्लीडिंग्स में की थी, तो उसकी वजह से उनका पूरा केस अफेक्ट हो गया था। तो फैक्चुअल एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, फिर टाइमली सर्विस कि जो आपका लीगल नोटिस है ना वो विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम सर्व होना चाहिए ताकि उसकी वैलिडिटी को इंश्योर कराया जा सके। एंड स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए कि जो नोटिस है उसने लीगल इश्यू को क्लियरली स्पेसिफाई किया हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, आपने डायरेक्टली बताना है फैक्ट्स ये थे, इशू ये कॉज हुआ और अब ये मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए और अंडर व्हाट लॉ मेरा ये जो है राइट है वो वायलेट हो रहा है, या पार्टीज के बीच में कोई अग्रीमेंट था, कौन सा अग्रीमेंट था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ऐसी डिटेल्स विल ओनली एड योर बेनिफिट। ठीक है। और एक और चीज आई वुड लाइक टू ऐड एंडिंग पे कि जो लीगल नोटिस होता है टिपिकली उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए ब्रीफली बताऊंगी, इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड तो हम एक डिटेल सेशन अरेंज करेंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर जो ब्रीफली ये कि आप जो सेंडर है उसकी डिटेल्स होनी चाहिए और जिसको भेजा जा रहा है उसकी भी डिटेल्स होनी चाहिए। ठीक है। उसका नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, ऑल दैट थिंग्स। फिर अच्छा मैम, आपने अपना नेचर ऑफ इशू जो है वो जरूर, जी जी प्लीज। एक लास्ट क्वेश्चन है। मोस्टली हमने देखा है लीगल नोटिसेज में कि वहाँ पे बाजों का जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए जो है भी एक वार्निंग दी जाती है। तो जुरिस्प्रूडेंस क्रिमिनल के इसको अंदर, तरीके से जी क्रिमिनल के अंदर इतना नहीं होता लीगल नोटिसेस का, बिकॉज जो प्रोसिक्यूशन साइड गवर्नमेंट साइड होती है एज फार, तो उसमें ना लीगल नोटिसेस का या यूजुअली जो सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं उनके अंदर लीगल नोटिसेस की जो वैल्यू है ना वो ज्यादा होती है। एक्सक्यूज जी। मी मैम, फर्ज करिए अगर हम किसी पर्सन के खिलाफ लीगल नोटिस भेजते हैं, अगर वो टाइम पे उसको रिप्लाई नहीं करते हैं, कोर्ट उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं? सॉरी आपकी आवाज कट गई, आपने क्या कहा किसके खिलाफ लीगल नोटिस लिया और वो टाइम पर रिप्लाई ना करें, यही आपका क्वेश्चन? जी मैम, अब आप किसी के भी खिलाफ फॉर एग्जांपल लीगल नोटिस भेज रहे हैं और उन्होंने टाइमली रिस्पॉन्स नहीं किया तो ऑब्वियसली आप कोर्ट का दरवाजा नॉक करेंगे, यू गो टू कोर्ट एंड आप उन्हें ये चीज बताएंगे कि यू सर्व द लीगल नोटिस जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो ऑब्वियसली फिर यू हैव द ऑप्शन ऑफ गोइंग इन टू लिटिगेशन अगर कोई आगे से जवाब नहीं दे रहा या वो मना कर रहे हैं रिसीव करने से या कुछ भी ऐसा, तो फिर आपके पास लिटिगेशन की दो ऑप्शन रहती है। और तीन नेचर केसेस में हम लीगल नोटिस ले सकते हैं, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, फैमिली। सिविल के अंदर यूजुअली होता है लीगल नोटिसेस का, नॉट इन क्रिमिनल एज सच। वैसे आई किसी भी डोंट केस नो कि में आपने लीगल ज्वाइन नोटिस। कब की है सिविल केसेस में, मैंने अभी कुछ मेंशन किए थे इंस्टेंसेस जहाँ पे आप जो है लीगल नोटिसेस सर्व कर सकते हैं। और किसी ने पूछा है कि नोटिस पीरियड एंड कमेंट्स क्या, वो हर लॉ का ना डिफरेंट है। अभी हमने देखा था कि किसी के अंदर 21 डेज है, किसी के अंदर 2 मंथ्स है, किसी में 14 डेज। फिर जनरली अगर आप देखोगे एक सेट फॉर्मेट लीगल नोटिसेस में 14 डेज का लिखा होता है, लेकिन हाँ अगर किसी लॉ के अंदर आप दे रहे हो तो फिर आपको वही टाइम पीरियड उसका फॉलो करना होगा, जैसे डेफिनेशन या कंज्यूमर के अंदर जो भी उनका स्पेसिफिक टाइम पीरियड है यू हैव टू स्टिक टू दैट। मैम मैं अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ। असल में जी वो जी क्या प्लीज। थैंक यू मैम मेरे कहने का मतलब ये था मैम कि बाज़ औक़ात हम लीगल नोटिस में देखते हैं कि एक ऐसा अगर कोई इशू जो है वो चल रहा होता है कि जहाँ पे जो लीगल नोटिस भेज रहा होता है उसके पास इख्तियार होता है, जी तो वो सिविल प्रोसीडिंग भी इनिशिएट कर सकता है, क्रिमिनल भी इनिशिएट कर सकता है। तो अच्छा वो अपनी लीगल नोटिस में जो है ये एक पॉइंट भी डाल देता है कि अगर आप इस तरह नहीं करते हैं तो मैं आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी इनिशिएट करूंगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि इसकी लीगल स्टैंडिंग क्या है, जो स्टूडेंट इसके देखो बारे में क्या कहती है, क्योंकि क्रिमिनल में अगर हम बात करते हैं तो उसमें टाइम जो है उसको पेटल तस्वर किया जाता है बनिस्बत सिविल केसेस के। तो इसकी स्टैंडिंग क्या देखो होगी? देखिए, अब क्रिमिनल आपने देखना है कि क्या वो मैटर ऐसा है भी कि जिसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि वो सिर्फ आपको ना डराने धमकाने के लिए कुछ लोग लिख देते हैं, बहुत कुछ लीगल नोटिसेस में लिख देते हैं जिनकी इफ यू गो एंड चेक तो कोई स्टैंडिंग ही नहीं होती। इनफैक्ट अभी रिसेंटली वी हैड दिस के एक बंदा स्टूडेंट था, अभी जैसे किसी ने पीछे मेंशन भी किया था कि उसने अपनी तरफ से एक लीगल नोटिस भेजा था कि वी गोइंग टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स एंड ऑल दैट। तो जब बहुत सारा पता किया तो पता चला कि वो अभी लॉयर के तौर पे भी इनरोल्ड नहीं है। तो ये कहने का मकसद ये है कि लोग लिख बहुत देते हैं लीगल नोटिसेस के अंदर,
कि दूसरे पे एक बुरा मतलब वो ना डराने धमकाने वाला इंप्रेशन पड़ जाए। काफी लोग डर जाते हैं, अगर आप देखोगे एक आम बंदा है जिसको कुछ नहीं पता और उसको लीगल नोटिस मिल जाए तो उसे तो पता ही नहीं चलेगा, बौखला जाते हैं कि ये क्या हो गया। लेकिन वो तो एक सिंपल वार्निंग लेटर ही है ना, अगर हम लॉयर लॉयर्स को तो इस चीज का आइडिया होगा। तो आपने ये देखना है कि क्या वो मैटर ऐसा है जिसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकते हैं या नहीं, और अगर होती है तो अंडर व्हाट लॉ क्या, क्योंकि फिर यहाँ पे बहुत डिटेल्स में जाके आपको स्पेसिफाई करना होगा कि अगर जो लॉ वो लगा रहा है वो एप्लीकेबल है भी या नहीं। कई तो दफा ऐसे होता है ऐसे लॉ लिख देते हैं कि ये राइट वायलेट हो रहा है पर उसकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं होती वहां पे। तो आई थिंक ये केस टू केस वेरी करती है चीज। आई गेस दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। वैसे ये स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी और गाइडलाइन भी, एंड आप अपनी टीम को जरूर रिव्यू दीजिएगा। और क्या अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ और चीजें इंप्रूव हो सकती हैं इन द लेक्चर, तो आई एम ओपन टू सजेशंस। अगर और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आई गेस वी कैन एंड द सेशन नाउ। अच्छा मैम, एक फाइनल क्वेश्चन है। जिस तरीके से आपने बात की कि ये मैटर टू मैटर जो है वो वेरी कर सकता है केस टू केस, तो अगर हम ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करते हैं कि जहाँ पे एक सिविल सूट भी जो है वो इनिशिएट किया जा सकता है कि कोई रिकवरी करनी हो या इस तरीके का, और साथ ही साथ जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी इनिशिएट हो सकती है, तो मेरे क्वेश्चन जो बेसिकली था वो यही था कि उस क्रिमिनल साइड पर अगर हम जाए तो फिर उसकी जो है वो डिसएडवांटेजेस हमें क्या होंगी, क्योंकि अगर इस तरीके से हम उसे टाइम देते हैं तो टाइम जो है वो पेटल तसव्वुर होता है क्रिमिनल केसेस में। नहीं लेकिन देखो, अगर आप लीगल नोटिस भेज रहे हो किसी को क्रिमिनल के अंदर, वैसे तो एज फार एज आई नो क्रिमिनल में लीगल नोटिस की ऐसा रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, ये सिविल के अंदर ही होता है। लेकिन अगर किसी ने लिख दिया है तो फिर तो ये आपने देखना है ना कि आप उसे किस चीज का टाइम दे रहे हो, ऐसा क्या क्राइम कमिट किया उसने कि आप उसको टाइम दे रहे हो मैटर रिजॉल्व करने का। क्राइम के अंदर उस तरह फिर टाइम ऑब्वियसली लाइक यू सेड कि उसकी इंपॉर्टेंस होती है, जब लेटर ऑन वो फिर आपके फेवर में तो नहीं रहेगी चीज। कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ इनिशिएट अगर कर रहा है तब आप अपना मैटर, किसी ने आपको लीगल नोटिस भेज दे कि हम आपके खिलाफ क्रिमिनल करेंगे, तो आप उनसे मैटर रिजॉल्व, अगर तो उन्होंने फिर कोई सोल्यूशन भी दिया होगा ना कि अगर तो आपने नहीं करना जो भी हमारा सोल्यूशन है, अगर आप हमारी टर्म्स पे नहीं मानते तो फिर हम इनिशिएट करेंगे। तो उनका क्या सोल्यूशन क्या रेजोल्यूशन है, अगर तो आपको लगता है कि अंदर जाए कोर्ट में जाने की बजाय इट्स बेटर कि हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें, तो ऑब्वियसली फिर आप उसके खिलाफ मतलब वही चीज अडॉप्ट करोगे। लेकिन अगर आपको अपने पता है कि यू हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, ये इट्स जस्ट अ फॉल्स क्लेम, तो फिर यू वोंट माइंड गोइंग इन टू कोर्ट एज वेल। लीगल नोटिस की स्टैंडिंग ऑब्वियसली फिर ये तो उसके खिलाफ चली जाएगी ना जो भेज रहा है, क्योंकि टाइम का मैटर तो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो केस क्रिमिनल में लेके जाना चाह रहा है, इफ हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। जी बिल्कुल मैम, मेरी भी यही स्टैंडिंग है, लेकिन फिर अगर हम उस चीज को मतलब उस सिविल पार्ट को जो है वो हम आंसर कर देते हैं और क्रिमिनल पार्ट को इसी तरीके से छोड़ देते हैं, तो क्या वो हमारे लिए एडमिशन नहीं मिल जाता है फिर, अगर लीगल नोटिस की हम रिप्लाई जमा करते हैं उसमें इस क्रिमिनल पार्ट को जो है वो हम बिना जवाब दिए उसको छोड़ देते हैं, तो क्या वो हमारे लिए एडमिशन सबर नहीं होगा फिर? अभी वही बात है कि अभी ये ना केस टू केस वेरी करेगा कि आपने यही देखना है कि उसकी नेचर ऑफ केस, नेचर ऑफ इशू क्या है, नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है जिसपे कि वो क्रिमिनल में भी जा रहा है और सिविल में भी जा रहा है। वैसे तो यही थोड़ा अनरीजनेबल लगता है, लेकिन यू नेवर नो, हर तरह की चीजें आ जाती हैं सामने। तो अब इस मेरे तरह से दोनों लेकिन अगर हम ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की कानों बात, में लगा हुआ है, का माइक यहाँ पे खुला हुआ है। जी मैडम मेरे एक सवाल है का। जी, मैडम एक तो आप अपने थोड़ा प्रैक्टिस के बारे में बताएं, कौन सी एरिया ऑफ स्पेशलिटी आपकी है, दूसरा आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है तहफ़, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। मैं बेसिकली जो है सर्विस मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस मैथ मैंने स्टार्ट की थी। मुझे अभी अपनी डिग्री कंप्लीट की, ऑलमोस्ट 2 इयर्स होने वाले, तो सर्विस मैटर्स के अंदर मैं बेसिकली की है प्रैक्टिस। एंड उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ मैं काम करती हूँ, और मैं लाहौर से हूँ, तो वो बेसिकली ये है कि वो एनवायरमेंट और क्लाइमेट रिलेटेड या सोशल इश्यूज के ऊपर यूजली इनका काम होता है, सारा रिमोट वर्क है, और प्रोजेक्ट्स होते हैं डिफरेंट जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर किए जा रहे हैं।
ये हमारी ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन है एंड वी ऑलवेज वेलकमिंग एंड ओपन टू पीपल जो ज्वाइन करना चाहें, ताकि इससे एक्सपोजर मिलेगा. जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं, और वो उसका ये होता है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और रिमोट होते हैं, तो यू कैन ज्वाइन अस फ्रॉम एनी वेयर ऑफ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये मसला नहीं है ट्रैवलिंग का कि आपको आना जाना पड़ेगा, सारा काम ऑनलाइन होता है, तो ये काफी सहूलत रहती है. थैंक यू मैडम, और इसका अगर काइंडली लिंक शेयर करवा दें ताकि हमें पता चले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई जी, फेसबुक पेज है। जरूर, बिल्कुल, हम शेयर करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है. मैं आपकी टीम के साथ जो है ये पाकिस्तान लॉयर के साथ, उनके साथ ये डिटेल्स भी शेयर कर दूंगी. इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड, तो जो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होंगे यू गाइस कैन अप्लाई ऑन दैट. थैंक यू मैडम, और आखिर में कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा कि आपने बताया कि आपको 2 साल हुए, लेकिन जिस तरीके से आप बोलती हैं और जिस तरीके से आपकी कमांड है, ऐसा लगता है जैसे आपको 12 साल से ज्यादा हो। जजाक अल्लाह, ये तो आपकी मेहरबानी कि आपने ऐसे देखा, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू. थैंक यू सो मच. मैम आप बेसिकली कहाँ से हो? मैम मैं पाकिस्तान लाहौर से हूँ. मुझे इंटर्नशिप की जरूरत थी, यूनिवर्सिटी से मैं छुट्टियाँ होंगी ना, डायरेक्ट की मैरिज पे हूँ, तो आपकी आवाज नहीं यूनिवर्सिटी क्लियर आ रही, थोड़ा आप लाउडली बोलेंगे प्लीज. मैम मुझे कोई इंटर्नशिप की जरूरत थी ना, यूनिवर्सिटी की जो समर वेकेशंस हो गए, जी, तो मुझे मैं तो फिर इस्लामाबाद में हूँ। अच्छा, आप लाहौर के हो तो खैर वहां तो एक्सेस नहीं है। चलो आई एम सॉरी, आपकी आवाज कट गई है एंड आई गेस ड्रॉप हो गए आप इससे. आई गेस वी डोंट हैव एनी मोर क्वेश्चंस नाउ, तो हम सेशन एंड कर देते हैं. आप लोगों का भी काफी टाइम ले लिया है, इट्स 4, बिल्कुल 4:11 हो चुके हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबने टाइम निकाला फॉर दिस लेक्चर एंड क्वेश्चंस. आई होप कि कुछ ना कुछ आप सबको समझ आई होगी, एंड अगर नहीं भी आई तो आई एम हियर एंड ओपन फॉर सजेशंस एंड मोर लेक्चर्स इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड. तो टेक केयर थैंक एवरीवन एंड थैंक यू सो मच. यू सो मच, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज. अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज.